मामला ग्राम पंचायत बढ़ती का है, जहां पर सचिव और सेल्समैन ने गरीब महिलाओं की गरीबी रेखा से अपात्र कर दिया और सेल्समैन खाद्यान्न तुलाई में लुटाई करते हैं। इसका विरोध जब हितग्राही करते हैं तो सेल्समैन के द्वारा धमकी देकर हितग्राही को भगा देता है, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर दर्जनों महिला तहसील कार्यालय पहुंची महिलाओं ने सचिव और सेल्समैन के खिलाफ मोर्चा खोला, गरीबों को खाद्यान्न पर्ची से अपात्र करने का आरोप लगाया। सेल्समैन के ऊपर भी महिलाओं ने धमकी देने का आरोप लगाया। ग्राम पंचायत बर्ती में कालाबाजारी और लूटपाट के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कि इनको सबको गरीबों को गल्ला दिया जाए और इनका जो खाद प्रदान पर्ची से नाम काट दिया गया वो इनका जोड़ा जाए दोबारा, और ये अपने खुद बताएंगे कि इनको क्या दिक्कत है और किस लिए आए। 40 साल हो चुका मेरे आदमी कुमारी, आज तक हमका गल्ला नहीं मिला तो हम का खाई नेता के झोपड़ियों में हम बसे हैं। यहाँ तक इंक्वायरी नहीं कर बड़े बड़े ढोकहरा मिल रहा, हम का खाई हम कहाँ रही तो लड़का में निकाल दिए चलिए परेशान है। देखिए इसकी जाँच करो।